हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो सोयल मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम सोयल मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है परमेबिलिटी ऑफ दी सोयल, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो परमेबिलिटी को अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे तो परमेबिलिटी को बोलते हैं पारगम्यता। पारगम्यता मीन्स सोयल से जितना भी वाटर है या जितना भी फ्लो होने वाला है, जिस भी चीज़ का फ्लो होने वाला, वो कितना पार हो जाता है, जितना पास हो रहा है। ठीक है, सोयल, तो भाई सोयल से वो चीज़ कैसे पास होगी, उसके इंटरकनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू तो वो चीज़ निकलने वाली है। दैट इज़ कॉल्ड द परमेबिलिटी। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोयल मीडियम टू मैक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग द वॉइड्स। तो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स से जो भी वाटर पास होने वाला है, ठीक है, तो वो परमेबिलिटी के अंडर में आएगा। तो कितना वाटर पास होगा, परमेबिलिटी कितनी होगी सोयल की, तो वह भी हम देखने वाले। अगर सोयल के अंदर वॉइड स्पेस ज़्यादा है, अगर वॉइड स्पेस ज़्यादा है तो फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। अगर वॉइड्स ज़्यादा है तो फ्लो ज़्यादा होगा। ओके, जब वॉइड्स ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उस सोयल की परमेबिलिटी ज़्यादा होने वाली। तो देखिए, तो अगर हम सोयल की बात करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सोयल की अगर बात करेंगे तो सोयल दो तरह की सोयल होती है। एक होती है कोर्स सोयल और दूसरी होती है फाइन सोयल। कोर्स सोयल में आता है सैंड, आता है ग्रेवल, आता है सिल्ट आता है। फाइन सोयल की अगर बात करें तो इसमें आता है क्ले आता है और सिल्ट आता है। कोर्स सोयल में आएगा सैंड एंड ग्रेवल, फाइन में सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो ग्रेवल में परमेबिलिटी कितनी होती है, ग्रेवल में वॉइड स्पेस ज़्यादा होता है तो इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर दैन द 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। परमेबिलिटी की डिफिनीशन सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों ली जाती है वो आगे आपको मिलेगा। सैंड जो होती है, सैंड में परमेबिलिटी होती है 1 to 10^-3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिल्ट की अगर बात करें 10^-3 to 10^-7। ओके, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इतनी होती है। और क्ले में बात करें तो लेस दैन 10^-7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये सैंड की और ये ग्रेवल की। अब हम एनालिसिस ऑफ दी प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी की एनालिसिस देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन द डार्सी ला। ओके, तो डार्सी ला को हम देखेंगे यहाँ पर। तो डार्सी ला की अजम्पशंस हम पहले देख लेते हैं। अजम्पशंस ऑफ दी डार्सी ला क्या होने वाली है। फ्लो ऑफ वाटर अकर्स अंडर द लेमिनार कंडीशन। जो वाटर का फ्लो हो रहा है ना, तो वाटर का फ्लो होना चाहिए अंडर द लेमिनार कंडीशन। तो लेमिनार कंडीशन की अगर बात करें तो लेमिनार कंडीशन अगर हो वाटर की फ्लो की, तो उसमें क्या होगा, नो टर्बुलेंस, स्मूथ फ्लो, नो एनर्जी ट्रांसफ़र एंड द विस्कस फ्लो। जब विस्कस फ्लो की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हम बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर की। तो रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला होता है रो वी डी अपन म्यू। म्यू इज़ द डायनामिक विस्कोसिटी, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, एंड बी इज़ द वेलोसिटी एंड डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। तो लेमिनार फ्लो अगर सोयल में हो रहा है तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 से लेकर के 1000 तक वेरी करे तो यहाँ पर ट्रांजिशन फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर दैन 1000 हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये फ्लो टर्बुलेंट है अकॉर्डिंग टू द डार्सी ला। डार्सी ला क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डार्सी ला का कहना है कि फ्लो ऑफ सोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दो जो सोयल का फ्लो है, या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या वेलोसिटी या फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है भाई, वाटर फ्लो हो रहा है, किस ग्रेडियंट पे फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक कोई कंटेनर यहाँ पे ये लगा दिया है और इसको हमने नली या पाइप के थ्रू यहाँ पर हमने इसका ये कुछ निकाल दिया है आउटलेट। तो आप यहाँ देखेंगे वाटर का फ्लो हो रहा है और पानी कुछ यहाँ पर इतना भर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे इसकी हाइट जो है H1 है, इसकी हाइट H2 है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे ना इसके बीच का, तो H1 - H2 मिलेगा आपको यहाँ पर डिफरेंस। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ यहाँ पर आपको मिलेगी L लेंथ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये थीटा देखेंगे, थीटा कह सकते हैं, फिर I कह सकते हो, I इज़ द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट्स द ग्रेडियंट। तो I इक्वल टू द डेल्टा H अपॉन द L।
ओके आई इज द डेल्टा एच अपॉन एल। तो देखिए तो बी प्रोपोर्शनल टू आई था, तो प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो के आएगा, ठीक है। के इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो बी इक्वल टू के आई हो जाएगा। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू ए बी, ए बी ओके, तो क्यू इक्वल टू बी की वैल्यू के आई और इधर वैल्यू आ जाएगी ए, क्यू इक्वल टू के आई ए। इट इज़ द डिस्चार्ज या कह सकते हैं फ्लो रेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं Q इक्वल टू के आई की वैल्यू अगर हम डेल्टा एच अपान एल कर दें इंटू ए कर दें तो फार्मूला भाई ए काम का ये भी हो जाएगा। दूसरा के पी इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ द परकुलेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अपान द पोरोसिटी, के अपान द ईटा कह सकते हो, एन कह सकते हो। तो एक्चुअल वेलोसिटी में भी देख लेते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल टू द बी एवरेज अपान एन, एन कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द, एन इज द पोरोसिटी ओके। और ई इक्वल टू क्या होता है, बॉयड रेशियो इक्वल टू द एन अपान वन माइनस एन। अगर आपको पोरोसिटी दे रखा तो आप बॉयड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको पोरोसिटी नहीं दे रखा केवल बॉयड रेशियो दे रखा तो आप इक्वल टू वन अपान ई अपान वन प्लस ई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सोइल की परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, तो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को पहले बता दे रहे हैं। वो कौन कौन से, टाइप्स ऑफ सोइल, वॉइड रेशियो, डायनामिक विस्कोसिटी, एयर वॉइड्स इन द पोर्स, फॉरेन इम्प्योरिटीज, इंट्रेंसिक परमेबिलिटी, सोइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सोइल स्ट्रक्चर तक ही है, तो यहाँ पर जो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ दी सोइल। तो टाइप्स ऑफ दी सोइल पे हम फोकस करने वाले हैं कि कौन सी टाइप की सोइल है। देखिए अगर आपकी कोर्स ग्रेंड सोइल है तो उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, अगर आपकी फाइन ग्रेंड सोइल है तो उसमें परमेबिलिटी कम होगी ओके। ऑप्शन इज करेक्ट, अपनी पहली बात कैप्चर हो गई है कि अगर ग्रेवल है तो ग्रेवल में परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे कम सैंड में, उससे कम सिल्ट में, उससे कम क्ले में। अब बॉयड रेशियो की बात करते हैं, अगर हमारा बॉयड रेशियो बढ़ेगा, जो पोर्स हैं पोर्स के अंदर बॉयड्स का रेशियो अगर बढ़ेगा, सोइल में बॉयड्स का रेशियो अगर बढ़ेगा, तब हमारी परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई क्यू अपॉन वन प्लस ई। नेक्स्ट डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, तो विस्कोसिटी अगर सोइल की बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसकी परमेबिलिटी कम होगी। विस्कोसिटी को अगर हिंदी में बोले गाढ़ापन, अगर सोइल अगर अपना फ्लूड का गाढ़ापन, अगर फ्लूड का गाढ़ापन बढ़ेगा तो सोइल के थ्रू उस फ्लूड के फ्लो होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अब देखिए अगर हमारी विस्कोसिटी कम हो रही है, गाढ़ापन कम हो रहा है फ्लूड का, तो सोइल के थ्रू उस फ्लूड के पास होने की परमेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, गाढ़ापन कम है ओके, तो उतना ज़्यादा फ्लो होगा। अब फॉरेन और एयर वॉइड्स इन द पोर्स की बात करेंगे, तो ये जो पोर्स हैं हमारी सोइल में ओके, सोइल में जो हमारे पोर्स हैं, अगर इसके अंदर आकर के एयर आकर के फिल हो जाएगी तो क्या होगा भाई, अपना एयर वॉइड्स इसके अंदर का स्पेस घेर लेंगे, तो इसका मतलब कि अपना फ्लो जो है चोक हो जाएगा, चोक आपती फ्लो हो जाएगा। अगर अपना एयर वॉइड्स ज़्यादा हो रहा है तो परमेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। अब आएगी बात फॉरेन इम्प्योरिटी की, तो फॉरेन इम्प्योरिटी तो ये जो कोई रिवर है या कह सकते हैं ओके, यहाँ पर हम सोइल की परमेबिलिटी को देख रहे हैं, और दूसरी कोई साइड से रिवर है या फिर कोई और सोर्स है जहाँ से इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं इस वाली सोइल में मिक्स हो जाएंगी, तो इम्प्योरिटीज़ मतलब कह सकते हैं अशुद्धियाँ आकर के इसमें मिक्स हो जाएंगी, तो उसके अंदर के जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ घुस जाएंगी, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर से जो वाटर का फ्लो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो वाटर का फ्लो कम हो जाएगा अगर इम्प्योरिटी बढ़ती है, अगर इम्प्योरिटी बढ़ती है तो काफ़ी सेंट ऑफ परमेबिलिटी कम हो जाएगा। इंट्रेंसिक परमेबिलिटी, इंट्रेंसिक परमेबिलिटी की यूनिट होती है
आप देख लीजिए बहुत ही सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिए इंट्रेंसिक परमेबिलिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंट्रेंसिक परमेबिलिटी का फार्मूला भी आप देख लीजिए, के डेस अपान के इक्वल टू द म्यू अपान गामा डब्ल्यू। ओके, अब हम बात करेंगे सोयल स्ट्रक्चर की। तो सोयल स्ट्रक्चर क्या है भाई? आउटर लेयर ऑफ वाटर, कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं सोयल का स्ट्रक्चर। ये देखिए कुछ ये सोयल है, ठीक है, इसके ऊपर से ये वाटर आया है। ओके, ये वाटर आया है तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो सोयल के ऊपर ये वाटर चिपक रहा है, तो ये आउटर लेयर ऑफ द वाटर हम देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फिल्म वाटर। और जो अंदर की जो लेयर है वाटर की, तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो अंदर का जो आप देख सकते हैं ना, जो अंदर ये जो कुछ मिलेगा तो इसे बोलेंगे वाटर इनटू द सॉलिड। तो ये स्ट्रक्चरल वाटर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को स्ट्रक्चरल वाटर बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फिल्म वाटर है, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। फिल्म वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों को अगर हम मिलाकर बोलें तो ये हो जाएगा अर्थ ऑफ वाटर। ओके, अब हम देखते हैं सोयल की स्ट्रक्चर। सोयल की स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है? कोर्स ग्रेंड सोयल होती है और फाइन ग्रेंड सोयल होती है। तो पहली तो आपके स्ट्रक्चर है भाई कोर्स ग्रेंड स्ट्रक्चर। तो कोर्स ग्रेंड स्ट्रक्चर में काफ़ी सीएंट ऑफ परमेबिलिटी इज वेरी हाई। और दूसरा जो आएगा आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आएगा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इसमें परमेबिलिटी जो होती है इंटरमीडिएट होती है। फिर तीसरा आता है फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी कम होती है। तो एट द बेड लेवल, एट द सी बेड की बात करें, अगर हम समुद्र में जाते हैं, तो ऐट द बेड सी, या बेड सी कह सकते हैं, समुद्र के बेड की बात करेंगे, ठीक है, बेड ऑफ सी फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर आपकी बनती है, ठीक है। अंडर द सी नॉर्मल वाटर डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो देखिए ये समुद्र जो है आपका, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। समुद्र में जो सी के बेड पे जाएंगे तो वहाँ पर फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर बनेगी, तो वहाँ पर जो परमेबिलिटी होने वाली है वो ज़्यादा होगी। और नॉर्मल वाटर में करेंगे, नॉर्मल वाटर के अंदर जो भी सॉइल होती है तो वहाँ पर डिस्पर्स स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पर परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अंडर सी नॉर्मल वाटर डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनती है, तो यहाँ पर परमेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? डिस्पर्स स्ट्रक्चर शोज द सरफेस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, डिस्पर्स स्ट्रक्चर सरफेस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को दिखाती है या सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है। अब आइए बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सोयल। ये देखिए अब हम परमेबिलिटी की एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करने के लिए हमें दो तरह की सोयल को यहाँ पर देखना होगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड सोयल। तो स्ट्रेटिफाइड सोयल में दो कंडीशंस हमें मिलेंगी। तो पहले तो है सीरीज इन द फ्लो। अगर फ्लो सीरीज में हो रहा है तब क्या होगा, और फिर पैरेलल फ्लो होगा तब क्या होगा? जब सीरीज फ्लो होगा, आप यहाँ पर देखिए सीरीज फ्लो किस तरह से हो रहा है। ये कुछ सीरीज फ्लो हो रहा है, ये देखिए B1, B2, B3, B4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं हेड लॉस रिमेन कांस्टेंट, हेड लॉस कांस्टेंट रहेगा और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा। हेड लॉस भी कांस्टेंट रहेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं B इक्वल टू के आई, B1, B2 एंड B3 डज नॉट द सेम, क्योंकि हमने इस तरह का ये डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पर वेलोसिटी या वाटर कुछ भी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी या वाटर कुछ और, यहाँ पर वेलोसिटी या वाटर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो जब वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट लेयर्स, देन वी कैन सी द डिस्चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो इज आल्सो डिफरेंट इन द डिफरेंट लेयर्स। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा सिग्मा जेड के।
अपान सिग्मा जेड। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आने वाला है, आपके इक्विवेलेंट को भी देख सकते हैं, सिग्मा जेड के मतलब जेड वन के वन प्लस जेड टू के टू, जेड थ्री के थ्री अपान जेड वन प्लस जेड टू अपान प्लस जेड थ्री, इस तरह चलता रहेगा। तो जेड वन जेड टू क्या होने वाला है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये जो लेंथ आने वाली है जेड वन जेड टू जेड थ्री को सिया जाएगा। अब पैरेलल फ्लो की बात करेंगे तो पैरेलल फ्लो कुछ इस तरह से आने वाला है, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, कुछ इसमें फ्लो होने वाला है, कुछ इसमें फ्लो होने वाला है, कुछ इसमें फ्लो होने, कुछ इसमें फ्लो होने वाला है, देख सकते हैं पैरेलल फ्लो। ये देखिए ये लेयर, देखिए एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है, तीसरी ये लेयर है, इसमें पैरेलल फ्लो हो रहा है। तो पैरेलल फ्लो में आप देखेंगे वेलोसिटी वी वन वी टू वी थ्री इज सेम एंड आई इक्वल टू आई वन आई टू आई थ्री इज आल्सो सेम, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी सेम रहेगा और साथ में वेलोसिटी भी सेम रहेगी। अब हम यहाँ पे के इक्विवेलेंट को लिखेंगे तो के इक्विवेलेंट आएगा डेल सिग्मा जेड अपान सिग्मा जेड अपान के, तो क्या आएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपान जेड वन के वन प्लस जेड टू के टू प्लस जेड थ्री के थ्री। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सीरीज फ्लो देख लिया और पैरेलल फ्लो भी देख लिया। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कॉफिशियंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कॉफिशियंट ऑफ प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हुआ करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इसके तीन मेथड्स हैं, फील्ड मेथड, लैब मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। तो फील्ड मेथड्स में पंपिंग इन मेथड एंड पंपिंग आउट मेथड, पंपिंग इन टेस्ट एंड द पंपिंग आउट टेस्ट। लैब मेथड में आएगा कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट, फॉलिंग हेड टेस्ट एंड द कैपिलरी टेस्ट। इनडायरेक्ट मेथड्स में आएगा एलन हैजन एलन हैजन मेथड एंड द कंसोलिडेशन मेथड। तो कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट को यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट में क्या होता है। तो कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट में आपको कुछ नहीं बस केवल एक फार्मूला याद कर लेना है, के इक्वल टू बी एल अपन एच ए टी। बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बी इज़ द वॉल्यूम, टी इज़ द टाइम, एल इज़ द लेंथ एंड एच इज़ द हेड लॉस इज द एरिया सुइटेबल फॉर द हाई परमिएबल सोयल, या कह सकते हैं कोर्स ग्रेंड सोयल। जो अपना कॉन्स्टेंट हीट टेस्ट होता है ये कोर्स ग्रेंड सोयल के लिए सुइटेबल रहता है या हाई परमिएबल सोयल के लिए सुइटेबल रहता है। फॉलिंग हेड टेस्ट की अगर बात करें तो फॉलिंग हेड टेस्ट इज सुइटेबल फॉर द लो परमिएबिलिटी सोयल, जिस सोयल की परमिएबिलिटी बहुत ही लो होती है, लो परमिएबल सोयल की बात कर सकते हैं। फिर कब और हम देखेंगे कि जो है फाइन ग्रेंड सोयल के लिए सुटेबल रहता है। फॉलिंग हेड टेस्ट नॉट गिव द प्रिसाइज वैल्यूज, तो फॉलिंग हेड टेस्ट प्रिसाइज वैल्यू तो नहीं देता है, लेकिन ये अपने सिलेबस में है तो उसको पढ़ ही लिया जाए। के इक्वल टू 2.303 ए इंटू द स्मॉल ए इंटू कैपिटल एल अपान कैपिटल ए इंटू द टी इंटू लॉग 10 एच वन अपान एच टू, कुछ इस तरह से। तो एच वन क्या है, एच टू क्या है, ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, और आप यहाँ से ये देखेंगे कि अगर हम दो हेड्स को यहाँ पर ले लेते हैं, लॉग 10 एच वन अपान एच टू को ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम लॉग 10 एच टू एच थ्री को ले लेते हैं, तो हम यहाँ से क्या देखने वाले हैं, एच वन अपान एच टू इक्वल टू द एच टू अपान एच थ्री। तो हम यहाँ से अगर एच टू निकालेंगे तो रूट में एच वन इंटू एच थ्री मिलेगा। तो हम बात करें कैपिलरी टेस्ट, कैपिलरी टेस्ट सोयल इज पार्शियली सैचुरेटेड, जब सोयल पार्शियली सैचुरेटेड होती है तो हम कैपिलरी टेस्ट को यूज करते हैं, और डार्चीला जहाँ पर वैलिड नहीं होता वहाँ पर हम कैपिलरी टेस्ट को यूज करते हैं। बट डार्चीला किस किस के लिए वैलिड होता है, डार्चीला वैलिड होता है फाइन ग्रेन सोयल के लिए या फुली सैचुरेटेड सोयल के लिए और लैमिनार कंडीशंस के लिए,
या डार्सिला वायलेट होता है, लेकिन अगर हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात करेंगे तो वहाँ पर डार्सिला वायलेट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पंपिंग इन टेस्ट अंडर पंपिंग आउट टेस्ट। तो पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है एक्सपेंसिव सॉइल टेस्ट है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, यूज्ड इन द लार्ज प्रोजेक्ट, बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पंपिंग आउट टेस्ट को यूज़ किया जाता है। इट गिव द मोस्ट रिलायबल वैल्यू ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये बहुत ही विश्वसनीय कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यूज प्रोवाइड कराता है। और देखिए इट इज़ डन, ये कब जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, इट इज़ डन फॉर एक्वीफर सॉइल्स। एक्वीफर सॉइल्स में देखो दो तरह के एक्वीफर्स होते हैं, अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है, एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर वो होता है कि जिसमें नीचे कोई भी हार्ड स्टेटा नहीं आता है, और कन्फाइंड वो होता है जिसके नीचे एक ये हार्ड स्टेटा आ जाता है तो ये कन्फाइंड हो जाता है, मतलब बाउंड्री लाइन हो सकती है। अजम्पशन इसके क्या क्या होते हैं, फ्लो इज लेमिनार, फ्लो लेमिनार होना चाहिए। सॉइल इज होमोजीनियस एंड द आइसोट्रॉपिक्स होनी चाहिए, और वेल पेनिट्रेट टू द एंटायर थिकनेस ऑफ द एक्वीफर, जो वेल है ठीक है जहाँ तक एक्वीफर है पूरी एंटायर थिकनेस ऑफ द एक्वीफर तक वेल को पेनिट्रेट किया जाना चाहिए। और फ्लो शुड बी स्टेडी, फ्लो टूवर्ड्स वेल इज रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल, जो फ्लो जो है टूवर्ड्स द वेल की अगर बात करें, ओके आप देख सकते हैं कुछ वेल आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, तो कुछ इस तरह से जो भी ये प्रोसीजर बनता है तो फ्लो टूवर्ड्स द बेल, चारों ओर जो कुआं बना हुआ है कुएं के चारों ओर का जो पानी है उसका फ्लो रेडियल होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पंपिंग आउट टेस्ट जो हम निकाल यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके लिए फार्मूला होता है K=q log 10 R2 अपान R1 अपान 2 पाई H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर। ओके अगर अपना कन्फाइंड एक्वीफर है तब उसके लिए क्या फार्मूला आने वाला है, K=q log E R2 अपान R1 यहाँ पर 2 पाई B H2 माइनस H1 कुछ E आ जाएगा। बी क्या होगा, यहाँ पर बी होगा कन्फाइंड थिकनेस। ओके अब हम देखते हैं यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूलाज या इनडायरेक्ट मेथड्स टू कैलकुलेट द कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो एम्पेरिकल मेथड्स में पहला तो आएगा कैज़नी कारमान फार्मूला। तो कैज़नी कारमान फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो K=1/CS इंटू द गामा W/μ इंटू 1/SA का स्क्वायर सरफेस एरिया, ओके इट इज़ द सरफेस एरिया का स्क्वायर इंटू EQ/1+E। ओके दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला ऐसा है जो आपको याद करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, K इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायनेमिक विस्कोसिटी। आप यहां से देख सकते हैं के इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया का स्क्वायर, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका वॉयड रेशियो। ओके तो आप यहां से एलन हैजन फार्मूला, सी एस की बात करो तो होता है सेप फैक्टर। हम यहां से बात करें एलन हैजन ने क्या फार्मूला दिया था, इसने कहा था K=C×D10 का स्क्वायर, यह लंडन्स फार्मूला। तो ये लॉग 10 लंडन्स का फार्मूला है, लॉग 10 KSA का स्क्वायर =a/b×n। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये जो कंसोलिडेशन पे बेस्ड जो फार्मूला आपको मिलेगा K=mbCv×γw। ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरह अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी दे रखी है और जेड डायरेक्शन में पूछी गई है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला मिलेगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी इसको इक्विवेलेंट ही बोलते हैं,
तो ये जो होगा रूट में के एक्स इंटू द के वाई। ओके, तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है, एक्स डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है, तो वाई डायरेक्शन पूछी होती है, तो आपको दोनों का रूट ले लेना है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सोइल इसका मोर देन द 90% सिलेबस हमने कवर कर लिया है।